हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर, दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज का हमारा यह वीडियो बीपीएससी की आगामी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिहार बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 की शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगा। यह स्पेशली 70वीं बीपीएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स में इकोनॉमी सर्वे और बजट, इन दोनों से संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं। तो इस बार का जो वित्तीय वर्ष 24-25 का जो बजट है, उसके बारे में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को आपके जानना आवश्यक है। इसीलिए सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समाहित करते हुए मैं इसके शॉर्ट नोट्स को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 का बिहार बजट आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, इस बार का जो बिहार बजट है, वह वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, अभी वर्तमान समय में बिहार में वित्त मंत्री आप देखेंगे तो सम्राट चौधरी वित्त मंत्री हैं, और उप मुख्यमंत्री के साथ साथ ये वित्त मंत्री का पदभार ग्रहण किए हुए हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा 24-25 का बजट पेश किया गया है। अगर बजट का कुल आकार देखा जाए वित्तीय वर्ष 24-25 का, तो इस बार का बजट का कुल आकार 2,78,725 करोड़ रुपया रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि वित्त वर्ष 24-25 में सरकार के द्वारा कुल कितनी राशि व्यय की जाएगी या बजट का आकार कितना है, दोनों एक ही बात हुआ, तो व्यय की जाने वाली राशि या बजट का कुल आकार है 2,78,725 करोड़ रुपया, जो कि पिछले बार की तुलना में 16,840 करोड़ रुपया अधिक है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इस बार के वित्तीय वर्ष 24-25 के बिहार बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी राशि अधिक खर्च की जाएगी, तो 16,840 करोड़ अगर परसेंट में देखा जाए तो पिछली बार के बजट की तुलना में इस बार का बजट 6.4% अधिक है। ठीक है, 16,840 करोड़ रुपया अधिक है या फिर 6.4% अधिक है। ठीक है, तो अब सवाल है कि आखिर पिछले बार का बजट का आकार क्या था। तो पिछले बार का बजट का आकार था 2.61 लाख करोड़ रुपया, 2.61 लाख करोड़ रुपया, और इस बार के बजट का आकार है 2.78 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये डेटा अच्छे से याद होना चाहिए, और ये भी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या फिर कितने रुपये की वृद्धि हुई है। ठीक है, यह हो गया बजट का आकार। अब आइए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये वाला ये डेटा, ये ऊपर लिखना चाहिए था लेकिन हमें डेटा बाद में मिला है, इसीलिए हमने इसे बीच में शामिल किया। ठीक है, अगर बजट का आप देखेंगे तो कुल व्यय अभी हमने बता दिया 2,78,725 करोड़ रुपया। इसमें अगर देखिए, दो प्रकार के व्यय होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। उसी प्रकार से आय होता है, राजस्व आय और पूंजीगत आय, मतलब राजस्व प्राप्ति या फिर पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, तो कुल बजट है 2,78,725 करोड़ रुपया। अगर इसमें राजस्व व्यय देखा जाए तो राजस्व व्यय कुल का 80.97% राजस्व व्यय है और कुल बजट का 19.03% पूंजीगत व्यय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार बजट वित्तीय वर्ष 24-25 में राजस्व व्यय कुल कितना होगा, 80.97% और पूंजीगत व्यय होगा 19.03%। अगर राशि के रूप में देखा जाए तो राजस्व व्यय होगा 2.25 लाख करोड़ और पूंजीगत व्यय होगा 53,048 करोड़ रुपया। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से रट लें पूरी तरीके से। कुल व्यय 2,78,725 करोड़ रुपया, राजस्व व्यय 2,25,000 करोड़ और पूंजीगत व्यय 53,048 करोड़ रुपया। ठीक है, 80.97% और 19.03%। अगर राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति देखा जाए तो कुल जो प्राप्ति होगा उसका 31.31% राजस्व प्राप्ति और 18.69% होगा पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, तो राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति ये हो गया, और राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय ये हो गया। डेटा यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसे अच्छे तरीके से नोट कर लें। ठीक है, अब आइए आर्थिक वृद्धि दर। तो 2022-23 में अगर आप देखेंगे तो 2022-23 में बिहार का जो आर्थिक वृद्धि दर है, वह भारत में सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर बिहार का रहा है, 10.64%। दूसरे स्थान पर, पूरे देश में दूसरे स्थान पर जिसका विकास दर सर्वाधिक रहा, तो सेकंड स्थान पर है असम 10.2% और तीसरे स्थान पर है दिल्ली 9.2%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर 2022-23 में बिहार में देखने को मिला,
यानी कि बिहार का आर्थिक वृद्धि दर क्या है, 10.64%, दूसरे नंबर पर असम और तीसरे नंबर पे दिल्ली है। ठीक है, स्थिर मूल्य पर राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 12-13 के 2.7 लाख करोड़ से 1.7 गुना बढ़कर 22-23 में 4.42 लाख करोड़ रुपया हो गया है। ठीक है, याद रखेंगे स्थिर मूल्य पर राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार कितना है, 4.42 लाख करोड़ रुपये। ठीक है, अगला है वर्तमान मूल्य पर GSDP के आकार में 2.7 गुनी वृद्धि हुई है। कितना वृद्धि हुआ है, 2.7% की वृद्धि हुई है, जिससे अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 12-13 के 2.8 लाख करोड़ रुपया से बढ़कर 22-23 में 7.5 लाख करोड़ रुपया हो गया है। यानी कि GSDP में लगभग 2.7 गुनी वृद्धि हुई है और वर्तमान समय में GSDP कितना है, 7.5 लाख करोड़। ठीक है, 23-24 में GSDP का अगर अनुमानित आकार देखा जाए तो 23-24 में, ये तो 22-23 में हो गया 7.5 लाख करोड़, 23-24 में लगभग 8.5 लाख करोड़ बढ़कर हो जाएगा और 24-25 में लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास यह बजट का आकार, GSDP का आकार हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 2024-25 के बजट में राजकोषीय नीति के 4 महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं 24-25 के बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा का, तो पहला है राजकोषीय घाटे को GSDP के अनुपात में 3% की अधिसीमा में रखना। यानी कि राजकोषीय घाटा जो पूरा GSDP का आकार अभी जो हमने बताया 7.5 लाख करोड़ रुपया, तो उसका 3% से अधिक राजकोषीय घाटा नहीं होनी चाहिए। राजस्व घाटे को समाप्त कर राजस्व बचत अर्जित करना। सरकार का लक्ष्य है कि राजस्व बचत को जो घाटा है उसको समाप्त कर दिया जाए और राजस्व बचत जो है उसको अर्जित किया जाए। सार्वजनिक व्यय को विकासात्मक मद में प्राथमिकता देना। ठीक है, और अगला है GSDP के अनुपात में कुल बकाया ऋण को धीरे धीरे कम करना, यानी कि बकाया ऋण का जो रेशियो है उसमें धीरे धीरे कमी करना। तो ये 4 प्रमुख उद्देश्य आप लोग याद कर लेंगे। वहां पर पूछा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 24-25 के बिहार बजट में राजकोषीय नीति के कौन से महत्वपूर्ण उद्देश्य घोषित नहीं किए गए हैं, और 4 विकल्प दे देगा, कोई एक ऑप्शन दे देगा जो इनमें से शामिल नहीं होगा। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। अगला आइए राजकोषीय घाटे को लेकर, तो राजकोषीय घाटा अगर देखेंगे तो 22-23 में राजकोषीय घाटा GSDP का 5.97% रहा है, लेकिन 2023-24 में GSDP का 2.98% और 24-25 में भी 2.98%। अभी हमने ऊपर बताया कि राजकोषीय नीति के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में एक है कि GSDP का 3% के अंदर रखना राजकोषीय घाटा। पहला देखिए फिर से, यहाँ पर हमने बताया ना कि राजकोषीय घाटे को GSDP के अनुपात में 3% की अधिसीमा में रखना, और क्या रखा गया 24-25 में भी देखिए कि राजकोषीय घाटे को 3% के अंतर्गत रखा गया है, 2.98%। तो 23-24 और 24-25 में सरकार के द्वारा निर्धारित सीमा 3% के अंदर रखने का लक्ष्य रखा गया है, और 24-25 में जो राजकोषीय घाटा होगा वह 2.98% या फिर राशि में याद करेंगे तो 29,095 करोड़ रुपया, आप इसे भी याद रखिए। ठीक है, 65वीं का PT में यह डेटा पूछा गया था कि राजकोषीय घाटा कितना होगा, प्रतिशत में ना पूछकर यह राशि में पूछ लिया गया था। तो आप लोग दोनों याद रखिए, राजकोषीय घाटा 2.98% या फिर 29,095 करोड़ रुपया। ठीक है, यह है राजकोषीय घाटा। राजस्व अधिशेष, तो 24-25 में सरकार को 1,121 करोड़ रुपया राजस्व अधिशेष की अनुमानित रुपया है, यानी कि सरकार का अनुमान है कि 24-25 में हमें 1,121 करोड़ रुपया राजस्व बचत होगा, राजस्व अधिशेष होगा। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। राजस्व अधिशेष के कारण राज्य के सार्वजनिक निवेश को अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य की आधारभूत संरचना भी मजबूत होगी। ठीक है, अब आइए ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा कितना है। तो अगर आप देखेंगे, अभी हमने बताया था यहाँ पर कुल राजस्व प्राप्ति, यहाँ पे देखिए डेटा, राजस्व प्राप्ति हमने क्या बताया था कि कुल का 81.31% राजस्व प्राप्ति होता है। तो राजस्व प्राप्ति यानी कि राजस्व कहाँ से आती है, तो देखिए ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में कितना हिस्सा है, 22-23 में देखेंगे तो 8.79%, 23-24 में देखेंगे 8.64% और 24-25 में देखेंगे 9.05% या बजट अनुमान है। यानी कि कुल राजस्व प्राप्ति में ब्याज भुगतान का अगर आप देखेंगे तो लगभग
23-24 में 8.64% और 24-25 में 9.05% हिस्सा है। ठीक है, ब्याज भुगतान 10% के अंदर रहना बेहतर वित्तीय प्रबंधन का सूचक होता है और यहाँ कहीं ना कहीं देखेंगे कि 10% के अंदर जो ब्याज भुगतान है यह रह रही है, इसका मतलब बिहार का जो वित्तीय स्थिति है वह कहीं ना कहीं बेहतर वित्तीय प्रबंधन, बेहतर वित्तीय कौशल, प्रबंधन कौशल को दर्शा रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति में 8.64% 23-24 में 24-25 में 9.05% बजट अनुमान है। ठीक है, कुल बकाया ऋण अगर देखेंगे कि सरकार पर कुल बकाया ऋण कितना है तो कुल GSDP का देखेंगे तो 35.67% जो है कुल बकाया ऋण है। अगर राशि में देखेंगे तो 3.48 लाख करोड़ रुपया जो है वह सरकार का कुल बकाया ऋण है। ठीक है, कुल बजट का 63.46% राशि विकासात्मक व्यय के मद में रखा गया है। कुल बजट है कितना, 2.78 लाख करोड़ रुपया जो कुल बजट है इसका 63% जो राशि होगा वह विकासात्मक व्यय के मद के लिए रखा गया है। अब आइए सरकार के पास, जैसे हमने बजट पढ़ लिया कि 2.78 लाख करोड़ रुपया सरकार का कुल बजट है या इतनी राशि खर्च करेगी, तो सवाल है कि आखिर सरकार अपने पास राशि लाएगी कहां से, यानी कि सरकार के पास रुपया कहां से आता है। तो केंद्रीय करों में राज्य का अंश होता है 40.52%। कुल बजट का जो आकार है, बजट का लगभग 40.5% जो राशि है वह केंद्रीय करों में राज्य के अंश के माध्यम से प्राप्त होगी। 19.47% यानी कि 19.5% राशि राज्य सरकार के कर राजस्व होंगे, यानी कि राज्य सरकार को टैक्स के माध्यम से जो प्राप्त होगी वह राशि होगी। 18.70% केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त होगा। 18.53% लोक ऋण के रूप में प्राप्त होगा। 2.63% राज्य का कर भिन्न राजस्व से प्राप्त होगा और 0.16% ऋणों की वसूली से प्राप्त होगी। तो यह है कि बिहार सरकार के द्वारा रुपया कहां से आता है, केंद्रीय करों में राज्य का अंश 40.5%, राज्य सरकार का कर राजस्व 19.5%, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 18.7%, लोक 18.53%, राज्य का कर भिन्न राजस्व 2.63% और ऋणों की वसूली 0.16%। तो यहां से रुपया आता है। ठीक है, अब सवाल है कि आखिर रुपया जाता कहां है, सरकार के द्वारा किन किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खर्च की जाती है। तो सामाजिक सेवा, सामान्य सेवा, आर्थिक सेवा, ये देखिएगा घटते क्रम में है। यहां कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपको क्रम दे देगा कि सरकार के द्वारा राशि जो खर्च की जाएगी उसका क्रम क्या है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा राशि सामाजिक सेवा में खर्च की जाएगी, दूसरे नंबर पे सामान्य सेवा में खर्च की जाएगी, इसके बाद आर्थिक सेवा में राशि खर्च की जाएगी, फिर लोक ऋण की वापसी पर खर्च किया जाएगा, ऋण और पेशगियों पर खर्च किया जाएगा और अंत में सहायता अनुदान और अंशदान में राशि खर्च की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से रुपया खर्च किया जाएगा। लेकिन देखिए अगला जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बजट का जो मेन कोर सेक्शन है यही है। बजट में राज्य सरकार के द्वारा 8 प्राथमिकता निर्धारित की गई है और इन 8 प्राथमिकता को आपको अच्छे से याद कर लेना है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है नियुक्ति एवं रोजगार, यानी कि सरकार के द्वारा जो 8 प्राथमिकता निर्धारित की गई है कि वे 2024-25 में कौन कौन से लक्ष्य की ओर कार्य करेंगे, उसके लिए उन्होंने एजेंडा सेट किया है और इस एजेंडे के अंतर्गत सरकार ने कुल 8 प्राथमिकता निर्धारित की है, जिनमें से पहला है नियुक्ति एवं रोजगार, दूसरा महिला सशक्तिकरण, तीसरा विभिन्न वर्गों का कल्याण, चौथा स्वास्थ्य क्षेत्र, पांचवा शिक्षा क्षेत्र, छठा कृषि एवं ग्रामीण विकास, सातवां उद्योग एवं उद्यमी विकास, आठवां पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास। ये महत्वपूर्ण 8 प्राथमिकता है जो बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है 2024-25 के लिए। कौन कौन से 8 प्राथमिकता है इसे आप लोग याद कर लेंगे। पहला नियुक्ति एवं रोजगार, दूसरा महिला सशक्तिकरण, तीसरा विभिन्न वर्गों का कल्याण, चौथा स्वास्थ्य क्षेत्र, पांचवा शिक्षा, छठा एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सातवां इंडस्ट्री, आठवां पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट। ठीक है, ये महत्वपूर्ण 8 प्राथमिकताएँ हैं जो सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है।
अब आइए बजट के महत्वपूर्ण पॉइंट। 2015 से 20 के बीच मातृ मृत्यु दर में बिहार में 47 अंकों की गिरावट आई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ 25 अंकों की गिरावट आई है। यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखेंगे तो राष्ट्रीय औसत की तुलना में भी बिहार में ज़्यादा काम हो रहा है। यही कारण है कि मातृ मृत्यु दर में जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर 25 अंकों की गिरावट आई है, वहाँ इसी औसत देखा जाए बिहार में तो 47 अंक, लगभग डबल की गिरावट आई है। खेल विभाग का गठन कला संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग कर किया गया, बहुत महत्वपूर्ण। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा खेल विभाग का गठन किया गया है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस विभाग से अलग करके खेल विभाग का गठन किया गया, तो कला संस्कृति एवं युवा विभाग की एक इकाई को अलग करके खेल विभाग का गठन किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग में देश के सर्वोपरि 5 जिलों में बिहार के 4 जिले शामिल हैं, उनमें समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल एवं बांका शामिल है। देखिए कितना महत्वपूर्ण डेटा है, जल शक्ति मंत्रालय का जल जीवन सर्वेक्षण जो रैंकिंग है उसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले देश के 5 जिलों में टॉप 4 जिला अगर देखा जाए तो बिहार का है, समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल एवं बांका। ठीक है, अब आइए नीति आयोग की रिपोर्ट। इन सभी की चर्चा बिहार की बजट में की गई है। बिहार का बजट आप वित्त मंत्री सम्राट चौधरी का भाषण सुनेंगे या फिर बजट का मेन जो डॉक्यूमेंट बिहार सरकार के द्वारा वेबसाइट पे, वित्त विभाग की वेबसाइट पे जारी की गई है, तो उसको आप देखेंगे तो इन सभी का वहाँ पर कहीं ना कहीं जिक्र किया हुआ है। नीति आयोग का अगर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखेंगे, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो 15-16 में जहां बिहार में 51.89% गरीबी विद्यमान थी, जो घटकर 2019-21 में 33.79% हो गई है। बिहार में गरीबी दर में 18.13% की अंकों की गिरावट आई है, वहीं पूरे देश में आप देखेंगे कि 9.89% अंकों की गिरावट हुई है। इस अवधि में राज्य के 2.25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 15-16 में बिहार में 51.89% गरीब थे, वह 19-21 में घटकर 33.79% हो गए, और इस दौरान आप देखेंगे कि बिहार के 2.25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलकर आ गए। ठीक है, यानी कि उनका गरीबी का जो लेवल था वह समाप्त हो गया और वे अब सुचारू रूप से जीवन जीने में सक्षम हो गए हैं। ठीक है, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023, बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन बिहार सरकार के द्वारा किया गया, जिसमें से मेरे ख्याल से दिसंबर में इसका आयोजन किया गया था। देश विदेश के 600 निवेशकों की इसमें भागीदारी हुई। इस दौरान 50,530 करोड़ के निवेश समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। अगर मेंस का आपसे सवाल पूछा जाए बिहार में औद्योगिक विकास की दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है, तो आप लिख सकते हैं कि हाल ही में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन किया गया, जिसके तहत देश विदेश के कुल 600 निवेशकों की भागीदारी हुई और जिनमें लगभग 50,530 करोड़ रुपये का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। यानी कि इतना का निवेश बिहार में विभिन्न इन्वेस्टर्स के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगला है बिहार लघु उद्यमी योजना। देखिए बिहार लघु उद्यमी योजना हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित गणना के डेटा को पब्लिश करने के बाद जो गरीब लोग हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा की गई है। इस जाति आधारित गणना के तहत 94 लाख परिवार थे उनको आर्थिक रूप से गरीब चिन्हित किया गया है और उन्हीं परिवारों को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके लिए बजट में 2024-25 में 250 करोड़ रुपया बजट आवंटित किया गया और 25-26 में इसके लिए 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। यह मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदान की गई है और बजट में इसका प्रावधान है। ठीक है, तो बिहार लघु उद्यमी योजना 94 लाख परिवार याद रखेंगे और स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण है, बिहार लघु उद्यमी योजना सरकार की नवीन योजना है। जाति आधारित गणना के डेटा पब्लिश होने के आधार पर गरीब वर्गों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा लाया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला है बिहार पर्यटन नीति सरकार के द्वारा। देखिए अगर आप देखेंगे पिछले कई सालों में तो सरकार के द्वारा कई सारे ऐसे प्रयास किए गए हैं जो बिहार की दशा और दिशा को बदल सकती है। ठीक है, बिहार पर्यटन नीति हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 हो गया, लॉजिस्टिक पॉलिसी हो गया, बिहार सरकार के द्वारा स्टार्टअप पॉलिसी लाया गया है, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाया गया है, कई सारे ऐसे पॉलिसी बिहार सरकार के द्वारा लाई गई है, बशर्ते इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से कर लिया जाए तो बिहार में देखा जाएगा कि औद्योगिक क्षेत्र में
काफी अधिक तरक्की देखने को मिल सकती है। तो बिहार पर्यटन नीति 2023 में जो सरकार के द्वारा लाया गया उसमें 10 करोड़ तक के निवेश पर 30 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। अगर 50 करोड़ या इससे अधिक का निवेश किया जाता है तो 25% की सब्सिडी दी जाएगी और SGST राज्य GST प्रतिपूर्ति के मद में 5 वर्षों तक 80% छूट देने का निर्णय लिया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि पर्यटन के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को आकर्षित किया जाए और इसी कारण अगर कोई 10 करोड़ तक का निवेश करता है तो उसको 30% तक सब्सिडी मिलेगा, 50 करोड़ या इससे अधिक का निवेश करेगा तो 25% की सब्सिडी मिलेगी और इसके साथ साथ जो स्टेट GST है तो आगामी 5 वर्षों तक 80% उसमें छूट दिया जाएगा स्टेट GST को भरने में। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है, गेम चेंजर है पर्यटन के क्षेत्र में। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023। देखिए, इसका एकमात्र उद्देश्य अगर देखा जाए तो ई व्हीकल ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम मॉडल स्टेट बिहार को बनाना सरकार का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सरकार की इच्छा है कि वे बिहार को ई व्हीकल इकोसिस्टम मॉडल स्टेट बनाया जाए ताकि ई व्हीकल के क्षेत्र में तरक्की किया जा सके। पहले 10,000 वाहनों के लिए हर दो पहिया वाहन पर 5,000 प्रति किलोवाट आवर यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। पहले 1,000 वाहनों के लिए हर चार पहिए यात्री वाहन पर 10,000 प्रति किलोवाट आवर और सामान्य श्रेणी के लिए मैक्सिमम 1.25 लाख एवं SC ST के लिए मैक्सिमम 1.5 लाख की क्रय सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। तो बेसिकली सरकार की इच्छा है या सरकार का प्रयास है कि इन पॉलिसी के माध्यम से यहाँ पर ई व्हीकल को का इको सेंटर डेवलप किया जाए, ई व्हीकल का जो इको सिस्टम होता है उसको डेवलप किया जाए ताकि एक मॉडल स्टेट के रूप में बिहार जो है वह उभर सके। ठीक है, तो यह है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023। अगला पॉइंट है वर्ष 15-16 में नवीकरणीय स्रोत से जहां 13% बिजली का उत्पादन होता था वहीं 24-25 में इसे 35% करने का लक्ष्य रखा गया। बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार बजट 24-25 के अनुसार बिहार सरकार के द्वारा कुल बिजली प्राप्ति का कितना प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से 24-25 से 35% बिजली प्राप्ति का लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा रखा गया है। सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए 24-25 में कुल बजट का 61.56% राशि अनुमानित है खर्च की जाएगी। अगर 7 निश्चय पार्ट 2 देखेंगे तो 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए बिहार बजट 24-25 में बिहार सरकार के द्वारा 5,040 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया गया है। यानी कि 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत जो 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन 7ों लक्ष्यों के लिए बिहार सरकार के द्वारा 5,40,000 करोड़ रुपया बजट का प्रावधान रखा गया है। जीविका द्वारा अब तक कुल 10.5 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है जिसके अंतर्गत 1.30 करोड़ से अधिक परिवारों को जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो यह हो गया स्वयं सहायता समूह से संबंधित। वर्ष 2024-25 में 1.03 लाख नए समूहों का गठन किया जाएगा। 24-25 में बैंकों के द्वारा लगभग 10,000 करोड़ ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, यानी कि बिहार में बैंकों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपया ऋण प्रदान किया जाएगा बिहार के नागरिकों को विभिन्न कार्यों के लिए, चाहे वह किसान हो या फिर रोजगार स्थापित करने के लिए कोई इन्वेस्टर्स हो। ठीक है, 24-25 में जीविका दीदियों के द्वारा लगभग 2,000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि 24-25 में बिहार में जीविका दीदी के द्वारा 2,000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोले जाएंगे। 24-25 में 50 जीविका दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि 2,000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोला जाएगा और 50 नए जीविका दीदी की रसोई खोला जाएगा। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से जीविका दीदियां सोलर लैंप का निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त कर सोलर शॉप चला रही है। गया जिला में स्थापित कंपनी जे वायर्स इस उद्यम को संचालित कर रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कंपनी का नाम आप लोग याद रखेंगे, कंपनी का नाम है जे वायर्स और यह जो है कंपनी गया जिले में स्थापित है और इसका माध्यम से जीविका दीदी जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग के मंत्रालय से सोलर लैंप के निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। किस कंपनी के माध्यम से? जे वायर्स कंपनी के माध्यम से। ठीक है, जीविका दीदी के द्वारा बिहार के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में जीविका लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। कितने प्रखंडों में? 100 प्रखंडों में जीविका लाइब्रेरी की स्थापना की गई है।
अगला है स्वच्छांगनी परियोजना, बहुत महत्वपूर्ण है स्वच्छांगनी परियोजना। स्वच्छांगनी परियोजना जो है पटना नगर निगम के स्लम में रह रहे महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। पटना नगर निगम के स्लम एरिया में जो रह रही है महिलाएं, उनमें इंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए स्वच्छांगनी परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला है चौथा कृषि रोडमैप। चौथे कृषि रोडमैप का शुभारंभ राष्ट्रपति के द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को किया गया है। कब शुरू किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा? 18 अक्टूबर 2023 की। हालांकि इसकी अवधि देखेंगे तो 1 अप्रैल से इसकी अवधि प्रारंभ होती है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा इसकी विधिवत शुरुआत जो है 18 अक्टूबर 2023 ईस्वी को किया गया था, चौथे कृषि रोडमैप की शुरुआत। इसके लिए कुल बजट 1.62 लाख करोड़ रुपये बजट आवंटित किया गया है। अगर कृषि रोडमैप की आप अवधि देखें तो पहला कृषि रोडमैप 2008 से 12, दूसरा 12 से 17, तीसरा 17 से 23 यह कृषि रोडमैप, और चौथा जो है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक चौथा कृषि रोडमैप। और सरकार नीतीश कुमार ने कहा है, मुख्यमंत्री ने, कि चौथे कृषि रोडमैप के बाद अब बिहार को किसी कृषि रोडमैप की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि चौथा कृषि रोडमैप ही लास्ट होगा। तो इसकी शुरुआत 18 अक्टूबर 2023 को माननीय राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसके लिए बजट कितना आवंटित किया गया है? 1.62 लाख करोड़, ठीक है। पान के लिए बिदुपुर वैशाली को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किया जाना है। कहाँ पर पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किया जाएगा? वैशाली के बिदुपुर में। अगला है बीज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 102 करोड़ की लागत से 100 सीड हब स्थापित किए जाएंगे या विकसित किए जाएंगे। जैविक कॉरिडोर 13 जिलों में संचालित है। सिंधवारणी जलाशय कहां पर है? बिहार के मुंगेर में अवस्थित है सिंधवारणी जलाशय। कुंडघाट जलाशय योजना बहुआर नदी पर जमुई के सिकंदरा प्रखंड में, बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि कुंडघाट जलाशय योजना बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो जमुई के सिकंदरा ब्लॉक में स्थित है। कौन से नदी पर? बहुआर नदी पर। तियारा पंप हाउस कैमूर में है। ढलहर पंप हाउस भी कैमूर में है। निकृष पंप नहर कर्मनाशा नदी पर बक्सर में है। उत्तर कोयले नहर परियोजना औरंगाबाद एवं गए जिले सिमरिया घाट बेगूसराय में। इन सभी को आप लोग याद करिएगा, ये सारे फैक्ट्स हैं जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। शांतिधार योजना क्या है? तो शांतिधार योजना समस्तीपुर जिले से संबंधित है। बागमती नदी और बूढ़ी गंडक नदी को आपस में जोड़ने का प्लान है शांतिधार योजना के माध्यम से, ठीक है। बागमती बूढ़ी गंडक बेलवधार नदी जोड़ो परियोजना, इससे पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी एवं शिवहर जिला लाभान्वित होगा, ठीक है। देखेंगे शांतिधार योजना बागमती नदी और बूढ़ी गंडक नदी को जोड़ने से संबंधित है, जो कि समस्तीपुर जिले में है, ठीक है। और अगला है बागमती या बूढ़ी गंडक नदी जोड़ो परियोजना, जिसे बेलवधार नदी जोड़ो परियोजना भी कहा जा सकता है। इससे लाभान्वित जिले अगर आप देखेंगे तो शिवहर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी। अगला है बिहार हेरिटेज ट्री ऐप का संबंध किससे है? तो बिहार हेरिटेज ट्री ऐप जो है वह विरासत वृक्षों का सर्वेक्षण एवं संरक्षण से संबंधित है। बिहार का तीसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? रानीगंज जैविक उद्यान अररिया में बिहार का तीसरा चिड़ियाघर स्थापित किया जा रहा है। अगला है बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा जो कुष्ठ रोगी हैं उनको एक माह में, यानी कि प्रति माह 1500 रुपये की वित्तीय राशि उनको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अगला है मिशन दक्ष। आप सभी जानते हैं कि बिहार में स्कूलों में सरकार के द्वारा मिशन दक्ष की शुरुआत की गई है, या बेसिकली कक्षा 3 से 8 तक से संबंधित है और कक्षा 9 के बच्चों हेतु विशेष कक्षा से संबंधित है। आप इतना जानिए मिशन दक्ष का संबंध किससे है? तो शिक्षा विभाग से। यह टाइमिंग चूंकि जब डे स्कूल चल रहा था तो बिहार सरकार के द्वारा उस समय निर्धारित किया गया था, मॉर्निंग शिफ्ट का जो स्कूल है टाइमिंग चेंज हो गया, तो टाइमिंग ऐसे भी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। आप याद रखिए मिशन दक्ष शिक्षा विभाग बिहार सरकार। वर्तमान में जीविका दीदी की रसोई की संख्या कितनी है? 82। वर्तमान बिहार में विद्युत की उपलब्धता लगभग 9000 मेगावाट है, जिनमें से 2486 मेगावाट जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है, और इस बार के बजट में 35% जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली प्राप्ति का लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। और आज के सेशन का अंतिम फैक्ट्स
22 23 के अंत में कुल बकाया ऋण जीएसडीपी का 39.03% है, जो कि अगर डेटा के रूप में देखा जाए तो 2.93 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, तो इस प्रकार से बिहार बजट के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को आज के वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद बिहार इकोनॉमी सर्वे की बारी है। बिहार इकोनॉमी सर्वे का नोट्स जैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा उन सभी को भी हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर दिया जाएगा। और चूंकि इंडिया का बजट और इकोनॉमी सर्वे जैसे ही केंद्र में नई सरकार का गठन होगा तो नए सिरे से बजट और इकोनॉमी सर्वे लाया जाएगा, तो उसके बाद उस समय डिस्कस आप लोगों के साथ कर दिया जाएगा, जो कि प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPCCenter को आप लोग ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों के साथ हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर बीपीएससी की तैयारी को अपनी एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।